केटल गुरु के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम एक और नए विषय के साथ हाजिर हैं। साहीवाल नस्ल की गाय पाकिस्तान में साहीवाल जिले से उत्पन्न मानी जाती है। आज साहीवाल भारत और पाकिस्तान में सबसे अच्छा डेयरी नस्लों में से एक है। गहरा शरीर, ढीली चमड़ी, छोटा सिर व छोटे सींग इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका शरीर साधारणतः लंबा और मांसल होता है। इनकी टांगे छोटी होती हैं, स्वभाव कुछ आलसी और इसकी खाल चिकनी होती है। पूंछ पतली और छोटी होती है। यह गाय लाल और गहरे भूरा रंग की होती है। कभी कभी इसके शरीर पर सफेद चमकदार धब्बे भी होते हैं। ढीली चमड़ी होने के कारण इसे लोग लोला भी कहते हैं। नर साहीवाल के पीठ पर बड़ा कूबड़ होता है। वह इसकी ऊंचाई 136 सेमी और मादा की ऊंचाई 120 सेमी के आसपास होती है। नर गाय का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300-400 किलो तक होता है। यह गाय 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है। अपने एक दुग्धकाल के दौरान ये गाय औसतन 2270 लीटर दूध देती है। साथ ही इसके दूध में पर्याप्त वसा होता है। ये विदेशी गायों की तुलना में दूध कम देती है, लेकिन इन पर खर्च भी काफी कम होता है। साहीवाल की खूबियों और उसके दूध की गुणवत्ता के चलते वैज्ञानिक इसे सबसे अच्छी देसी दुग्ध उत्पादक गाय मानते हैं। इनकी कम होती संख्या से चिंतित वैज्ञानिक ब्रीडिंग के जरिए देसी गायों की नस्ल सुधार कर उन्हें साहीवाल में बदलने पर जोर दे रहे हैं, जिसके तहत देसी गाय की पांचवी पीढ़ी पुनर्तः साहीवाल में बदलने में कामयाबी हासिल हुई है। इसका शरीर गर्मी, परजीवी और किलनी प्रतिरोधी होता है, जिससे इसे पालने में अधिकम मशक्कत नहीं करनी पड़ती है और डेयरी किसानों को पालने में बहुत फायदा होता है। इस गाय की अन्य विशेषताएं हैं: उच्च दूध की पैदावार, प्रजनन की आसानी, देर सूखा प्रतिरोधी, अच्छा स्वभाव, अच्छी देखभाल करने पर ये कहीं भी रह सकती है। गर्मी सहने की अच्छी क्षमता और उच्च दुग्ध उत्पादन के कारण इन गायों को एशिया, अफ्रीका और कई कैरेबियाई देशों में भी निर्यात किया गया है। मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार व मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दुग्ध उत्पादन ग्रामीण स्थितियों में 1350 किलोग्राम, व्यावसायिक फार्म की स्थिति में 2100 किलोग्राम। प्रथम प्रजनन की उम्र 32-36 महीने, प्रजनन की अवधि में अंतराल -15 महीने। चारा, इस नस्ल की गायों को जरूरत के अनुसार ही खुराक दें। फलीदार चारे को खिलाने से पहले उनमें तूड़ी या अन्य चारा मिला लें, ताकि अफारा या बदहजमी ना हो। आवश्यकता अनुसार खुराक का प्रबंध नीचे लिखे अनुसार है। खुराक प्रबंध: जानवरों के लिए आवश्यक खुराकी तत्व, ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ और विटामिन। चारा, खुराकी वस्तुएं, अनाज और इसके अन्य पदार्थ, मक्की, जौ, ज्वार, बाजरा, छोले, गेहूं, जई, चोकर, चावलों की पॉलिश, मक्की का छिलका, चूनी बरेवे, बरी व शुष्क दाने, मूंगफली, सरसों बरेवे, तिल, अलसी, मक्की से तैयार खुराक, गुआरे का चूरा, तोरिये से तैयार खुराक, टैपियोका, करी, टीके आदि। हरे चारे: बरसीम पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कटाई, लूसिन औसतन, लोबिया लंबी और छोटी किस्म, गुआरा, सिंजी, ज्वार छोटी पकने वाली, पकी हुई मक्की छोटी और पकने वाली, जई, बाजरा, हाथी घास, नेपियर बाजरा, सुदान घास, आसादी। सूखे चारे और आचार: बरसीम की सूखी घास, लूसिन की सूखी घास, जई की सूखी घास, पराली, मक्की के टिंडे, ज्वार और बाजरे की कड़बी, गन्ने की आग, दूरवा की सूखी घास, मक्की का आचार, जई का आचार आदि। अन्य रोजाना खुराक भत्ता: मक्की, गेहूं, चावलों की कनी, चावलों की पॉलिश, छानबुरा, चोकर, सोयाबीन, मूंगफली की खल, छिलका रहित बरेवे की खल, सरसों की खल, तेल रहित चावलों की पॉलिश, शीरा, धातुओं का मिश्रण, नमक, नाइसिन आदि। नस्ल की देखरेख: शहद की आवश्यकता: अच्छे प्रदर्शन के लिए पशुओं को अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। पशुओं को भारी बारिश, तेज धूप, बर्फबारी, ठंड और परजीवी से बचाने के लिए शेड की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि चुने हुए शेड में साफ हवा और पानी की सुविधा होनी चाहिए। पशुओं की संख्या के अनुसार भोजन के लिए जगह बड़ी और खुली होनी चाहिए, ताकि वे आसानी से भोजन खा सकें। पशुओं के व्यर्थ पदार्थ की निकास पाइप 30-40 सेमी चौड़ी और 5-7 सेमी गहरी होनी चाहिए। अच्छे प्रबंधन का परिणाम अच्छे बछड़े में होगा और दूध की मात्रा भी अधिक मिलती है। गाभिन गाय को 1 किलो अधिक फीड दें, क्योंकि वे शारीरिक रूप से भी बढ़ती है। बछड़ों की देखभाल और प्रबंधन:
जन्म के तुरंत बाद नाक या मुंह के आसपास चिपे चिपे पदार्थ को साफ करना चाहिए। यदि बछड़ा सांस नहीं ले रहा है तो उसे दबाव द्वारा बनावटी सांस दें और हाथों से उसकी छाती को दबाकर आराम दें। शरीर से 2-5 सेमी की दूरी पर से नाभि को बांधकर नाड़ी को काट दें। 1-2% आयोडीन की मदद से नाभि के आसपास से साफ करना चाहिए। सिफारिश किए गए टीके, जन्म के बाद कचड़े बछड़े को 6 महीने के हो जाने पर पहला टीका ब्रुसिलोसिस का लगवाएं। फिर 1 महीने बाद आप मुंह खुर का टीका लगवाएं और गलघोंटू का भी टीका लगवाएं। 1 महीने के बाद लंगड़े बुखार का टीका लगवाएं। बड़ी उम्र के पशुओं की हर 3 महीने बाद डीवॉर्मिंग करें। कड्डे बछड़े के 1 महीने से पहले सींग ना दागे। एक बात का और ध्यान रखें कि पशु को बेहोश करके सींग ना दागे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक हीटर से ही सींग दागे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में सुझाव दें। इस तरह की और वीडियोस के लिए कैटल गुरु को सब्सक्राइब करें।